काट ना। अरे नहीं काटेगी। एक साड़ी के लिए एक घंटा। सासु माँ का बर्थडे। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? आज इस सोच में कि आज काम बनेंगे, तो जो बातें चल रही हैं, जो फाइनली सर्चिंग चल रही है मेरी, बंदा ढूंढ रहा हूँ या मिल नहीं रहा है या कुछ ऐसे क्लैशेस हो रहे हैं, तो फाइनली होप है कि आज मेरे काम बन जाए, आज बंदा फाइनल हो जाए। तो चलो देखते हैं, फिलहाल अभी नहाने जाना है, ब्रेकफास्ट करना है, फिर आगे की प्लानिंग देखते हैं। और आज शाम को है मेरी सासू माँ का जन्मदिन, मतलब आज है पर शाम को हम जाएंगे, कहने का मतलब ये था। और गाइज अभी भी कुछ कंफर्म नहीं है कि कौन कौन जाएगा, कैसे जाएगा पहले। हालांकि हम स्टूडियो से हम तीनों जाते थे, मैं, इमलता और सिस्टी, एक छोटा सा वो चीज़ें करने के लिए हम तीनों ही चले जाएंगे या फिर और कोई जाएगा, क्योंकि कोई बहुत बड़ा सेलिब्रेशन नहीं है, मतलब हम एक छोटा सा सरप्राइज करने के लिए जा रहे हैं। अब देखते हैं कि कौन कौन चलता है, कैसे कैसे चलता है, तो उस हिसाब से चीज़ें होंगी। तो देखते हैं कि मतलब शाम को कैसे होता है, क्या चीज़ें होती हैं, क्योंकि सारा कंफ्यूजिंग में है। तो चलो, तो गाइज नहा धो के ब्रेकफास्ट करके मस्त मैं अपने निकल गया था काम की तरफ। तो सबसे पहले गया मोटर का काम करवाने, जो कि मोटर खुलवा कर लेकर आया था कल प्लम्बर से, तो नट बोल्ट वगैरह लिए उसके, और फिर बाहर वेल्डिंग वाले से काम वाम करवा के, फिर सारी चीज़ें उसका रिपेयर वगैरह करा के अब वापस जा रहा हूँ घर की तरफ। कुछ और भी बाहर जाना है, मतलब कुछ और सामान भी पिक करना है। काम के बिना ज़िंदगी कैसे चलेगी? काम काम काम, तो काम बहुत ज़रूरी है। और आज मेरी सासू माता का बर्थडे है, देखो मैं अभी तक फ़ोन भी नहीं कर पाया हूँ, भागम बाद में अभी करता हूँ फोन। तो गाइस घर पहुँच चुका हूँ, और आज हम लोगों ने सब ने येलो कलर पहना हुआ, देखो मैंने, सिस्टी ने, मम्मी ने, गोपाल ने, वापस आओ उधर, गोपाल ने और भाभी ने गोपाल की। और ये दीवारें भी पीली पीली हो रही है। और पता है हमारे घर आज बड़ी भी कड़ी है। अरे वाह, येलो पालक वाली कड़ी मम्मी ने बनाई है, मम्मी पालक वाली कड़ी आज, बिकॉज आज है थर्सडे, तो सब पीले पीले हो रहे हैं, पीले हो रहे हैं। और मम्मी पता है क्या कर रही है? मम्मी लगा रही है साड़ी में फॉल, है ना मम्मी? हाँ। और वो कर रही है अपनी नंद का काम, भाभी फ्री होके अपना नंद का काम कर रही है। और कुछ लोग सोचेंगे कि ये ऑफिस नहीं गई, अभी ऑफिस का कुछ टाइम के लिए ऑफ है, जो डायरेक्टर सर है ना, तो उनके घर पे कुछ ऐसी चीजें हो गई थी जिसकी वजह से ऑफिस अभी बंद है। हालांकि अभी ऑफिस जो है ना वो छोटा है, तो शुरुआत हुई थी, तो अभी इसीलिए इतनी ज्यादा ग्रोथ नहीं है कि हाँ भाई कोई डायरेक्टर सर या कोई नहीं आ रहे हैं तो काम चलता रहे, अभी इसीलिए कुछ टाइम के लिए 3-4 दिन के लिए बंद रहेगा ऑफिस। तो गाइस चूहा आ गया है पिंजरे में, और किट्टू देखो पूरी नजर गड़ाए हुए है। किट्टू किट्टू क्या हो गया? किट्टू हटियो पीछे, किट्टू किट्टू छोड़ दे उसको, देख रही है किट्टू। बेटा बचा हुआ है, तू पिंजरे में है। कैसे बैठ गई है? वहीं बैठ गई है, हिल नहीं रही है वहां से। किट्टू आ जा, किट्टू किट्टू निकालू चलो 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 उठा लो। अरे नहीं काटेगी, किट्टू किट्टू नहीं, किट्टू रुक जा, चलो रुक जा रुक जा रुक जा। गोपाल को भेजो ये। ये पंजे में लग गया ना इसे पिंजरा, खुल जाएगा ये। चीख रहा है बेचारा चूहा, निकाल लो मुझे, किट्टू का खौफ देख के जान चली जाएगी। नीचे बाय किट्टू, बाय। नीचे रख दो नीचे, गोपाल वो कर लेगा। अरे चले गया, चला गया चला गया चला गया। अब ये जाल पे जाएगी, अब ये जाल पे जाएगी देखने के लिए, उतावली हो गई अब। किट्टू क्या हो गया? चला गया, अब गया, अब तेरा शिकार गया। गाड़ी भयंकर गर्म हो चुकी है, भयंकर। तो गाइस अभी हम जा रहे हैं मम्मी जी के लिए साड़ी लेने के लिए, तो सारी फैमिली जा रहे हैं, हम सारे जा रहे हैं, तो प्लान कंफर्म हो चुका है। मम्मी और इमलता जा रहे हैं साड़ी लेने के लिए साथ में। जला दिया बाप का, बहुत भयंकर हो रहा है ना, गाड़ी तो है ही, धूप में खड़ी रहेगी तो तपेगी गाड़ी।
फाइनली एक घंटे के बाद साड़ी पसंद समझ में आ गई। क्या मेरे लिए तो ठीक है पर मेरे को दिलानी है। आपको भी दिला देंगे। फाइनली समझ में आ गई एक घंटे के बाद। एक साड़ी के लिए एक घंटा लग गया। बस साड़ी की दुकान में आ जाओ तो पागल हो जाती है। ये साड़ी अच्छी लग रही है। गाइस मम्मी और अमृता को ड्रॉप करके मैं पहुंचा घर और उसके बाद मुझे फोन आया वहां से माली भैया का कि भाई पानी निकल रहा है, पानी बह रहा है कहीं से। फिर मैंने दिमाग लगाया कि जहां से मोटर खुली थी ना वहीं से पानी बह रहा है। और अब मुझे सोचो कि अपने और काम छोड़ते हुए फटाफट भाग रहा हूँ मैं स्टूडियो की तरफ। हालांकि मेरी एक मीटिंग थी अभी और अभी मीटिंग के लिए उनको थोड़ा टाइम लगेगा पहुंचने में। तब तक मैं स्टूडियो जाके और मोटर फिट करके ही आ जाऊंगा। और मुझे एक वीडियो शूट भी करनी थी। पहले मैं सोच रहा था कहीं पे क्वेश्चन आंसर वाली वीडियो शूट करनी थी हिमलता के साथ। अब वो सो रही है और जब वो सो के उठेगी तो मेरा टाइम जा चुका होगा। तो मैंने सोचा कि मैं खुद ही अकेले कर लेता हूँ। फिर सोचा कहीं गाड़ी में बैठ के कर लूंगा। फिर जब भैया का कॉल आया तो मैंने कहा चलो स्टूडियो ही चलता हूँ। अभी वीडियो शूट भी हो जाएगी और मोटर का पानी का काम भी हो जाएगा। तो चलो पहले स्टूडियो पहुँचते रफ्तार से, वहाँ की प्रॉब्लम देख कर आते हैं। और गाइस हेमलता को पता भी नहीं है कि मैं रेडी होकर निकल भी चुका हूँ। वो सो रही थी मस्त। जब वो उठेगी ना सोकर तब उसको पता चलेगा कि। तो गाइस मैं स्टूडियो तो पहुंच गया हूँ लेकिन बंदर महाराज आए हुए हैं बाहर। ये देखो बिल्कुल बाहर ही बैठे हुए हैं, यहाँ पर बिल्कुल बाहर बैठे हुए हैं। आज एक्चुअली मेरे पास कुछ भी नहीं है इनको देने के लिए। अंदर से मैं लाके ब्रेड दे सकता हूँ। तो ये पानी निकला है थोड़ा थोड़ा ना, ये मोटर में से निकल के ही गया है। तो गाइस ये ब्रेड लेके देखता हूँ मैं, क्योंकि मैंने ये वो बाहर डॉकी आता उसके लिए मंगा के रख। तो गाइस मोटर फिट हो चुकी है, पसीना हो गया हूँ और आप चला कर देखते हैं मोटर। यस, तो हमारा मिशन सफल रहा। तो गाइस सारे जाने के लिए रेडी हो गए हैं। मैं सारा अपना काम खत्म करते हुए मीटिंग वीडियो शूट वगैरह सारी चीज खत्म करते हुए पहुंच गया हूँ घर। और जस्ट देखा कि अभी सब रेडी हो चुके हैं। ये इधर पतली लग रही है, अच्छी लग रही है। पतली लग रही है, अच्छी मतलब कहने का मतलब पतले हो, लेकिन कई ऐसे कपड़े होते हैं जिसमें मोटे लगते हो। मतलब ये कि पतले हो जाओ। हाँ, और रेनू भी रेडी हो चुकी है। ये तो खैर ऑफिस से आई है तो ऐसे ही चल रही है। और गोपाल भी रेडी हो चुका है, मम्मी भी नीचे गए हैं और रितु भी बाहर आती है। चलो अब चलते हैं सीधा वहाँ पर। अरे वाह, आज तो पेट केक से ही पेट भरना है। और अंदर का दिखाती हूँ आपको। अब बहुत गर्मी हो रही है गाइस, इतनी ज्यादा बहुत गर्मी का पड़ चुका है इधर। तो ये सब इधर किचन में लग रहे हैं। भाभी की डबल शिफ्ट हो जाती है, यहाँ पे भी वहाँ पे भी। हाँ, इसीलिए यस। रेनू बुआ हटो, उधर उधर उड़ा। बात कर रहे हैं ना, तो जो बात कर रहे हैं वहाँ जाके अब तो जाना ही पड़ेगा। अब बताओ क्या है, अब बताओ क्या है, क्या है? कुछ नहीं है, बहुत चुड़ैल आ गए। Guys, ये वो चुड़ैल है जिसने सिस्टी को बूट सैंडल दिलाए। क्यूट चुड़ैल। ये चुड़ैल है जो मेहरबान हो जाती है सिस्टी पे। कहती है एक दिन, कहती है के ना अच्छी चुड़ैल हूँ मैं। नहीं, गुडविच गुडविच बुआ, मैं आपकी फेवरेट हूँ ना। रितु दी को बोलती है, मैंने कहा हाँ बेटा तुम्हारे, ये तुम्हारी बुआ, ये तुम्हारे लिए फेवरेट है, मेरे लिए तुम्हारी मम्मी फेवरेट।
नहीं नहीं आप भी हो मेरे। फिर मैंने कहा अच्छा देखो बुआ की ऑलरेडी बाल देखो खुले पड़े हैं, इनकी छुट्टी बना दो। बना दो मेरी तो मेरे को वैसे भी बहुत करते हैं करने भाई उसको ताकि पता चले बोल रही है वो चोटी तो जल्दी आ गई बनाने सिस्टर को। मुझे दिखाओ ना यहाँ पे भी लड़ाई शुरू कर दी देखो इसको। ओहो ये तो आप किए थे दिन साल पहले। नहीं नहीं अब गोपाल ये तो जब की है जब शादी हुई थी होने वाली थी। नहीं नहीं उससे पहले की है ये उससे पहले की है ये देखो ये पुरानी पुरानी फोटो कहाँ के कहाँ से निकाल रखी तूने। लीतू बुआ फेवरेट बुआ फेवरेट बुआ रेनू बुआ को दे एक बार दिखा दे वो छोटा हूँ तो मोना ही लगूंगा। 12 साल की उम्र में मुझे खरीदना था। क्या दिखाएगा तू पापा की दिखाना। यहाँ एक दूसरे की पोल पट्टी खोल रहे हो बस। पापा अपने दिखाओ ना मैं दिखा कर दिया ना ऊपर नीचे खा के आ जाती थी अपने साथ। ये हाँ सच में दूसरों का टिफिन छीन के खा लेती थी शिकायतें आती थी। तो गाइस अब है चलने का वक्त और करेक्ट 12 बजने वाले हैं। अब निकले हैं सारे घर से। हेलो जी गाइस पहुंच भी गए घर अपने। एक गाड़ी हमारी आगे है और एक हमारी गाड़ी इधर है। चलो भाई उतरो उतरो सवारी उतरो उतरो। और ये देखो सूट पहन के आई है साड़ी पहन के गई थी उसका रीजन भी बताएंगे आपको। तो चलो गाइस इसी के साथ फिलहाल ब्लॉग का एंड करता हूँ। आप लोगों ने ब्लॉग को एंजॉय किया होगा एंजॉय करते वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब आगे आपको पता ही है। और सबके सबको बाय बोलते हुए सबको चरण स्पर्श करते हुए हम पहुंच गए हैं घर पे। बहुत ही अमेजिंग होने वाला है कल का ब्लॉग जिसका मुझे इंतजार था वो काम मेरा फाइनली हो गया है तो वो आपको कल के ब्लॉग में बताऊंगा। बाय। और हमने बहुत इंजॉय किया बहुत फन किया और बहुत सारी चीजें थी बहुत मतलब इंजॉय किया। 3-4 घंटे हमने खूब बातें की। ब्लेस हैं इस बात से कि कभी किसी की हमारे परिवार को कभी किसी की नजर ना लगे बस महादेव हमारे ऊपर कृपया से बनाए रखे हर हर महादेव। और ये देखो गाइस जब से इसको पता चला है ना कि इसमें चूहा आता है अब दूसरी बार चूहे के लिए लगाया है पिंजरा। अब ये अगर ऐसे सामने बैठी रहेगी तो कहाँ से चूहा आएगा देख लो जरा। इसको लग रहा है कि अपने आप पिंजरे में चल का आ जाएगा उसकी तरफ ही नजर है। किट्टू किट्टू उसमें ऐसे चल के नहीं आएगा तू वहां से हटेगी तब आएगा वो देखो हटना पड़ेगा वहां से। किट्टू किट्टू किट्टू।